मूवी में हमें बहुत सारे साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि एलियंस की तलाश में हैं, और अब उन्हें पता चल गया है सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है जो कि बिल्कुल अर्थ की तरह दिखता है और उस प्लैनेट के अंदर एलियंस रहते हैं। हम देखते हैं कि हवाई में बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस और कम्युनिकेशंस लैब्स का सेटअप बनाया गया है, और हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ी जॉइंट सेटेलाइट है जो कि अर्थ के करीब 24 घंटों में चक्कर लगाता रहता है। ये सेटेलाइट इन स्टेशन से सिग्नल लेकर उस प्लैनेट की तरफ भेजता है जहाँ पर एलियंस है, और पूरी दुनिया ये देख रही है कि कैसे ह्यूमंस ने इस सोलर सिस्टम पर पहुंचने की तैयारी कर ली है। ह्यूमंस जल्द से जल्द उस प्लैनेट पर जाना चाहते हैं और ये साइंटिस्ट जल्द से जल्द उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करना चाहते हैं। ये उनका सैटेलाइट सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर दूसरे सैटेलाइट तक सिग्नल्स भेज रहा है, और साथ ही हमें मूवी के मेन कैरेक्टर एलेक्स होपर को भी दिखाया जाता है जो कि नेवी में एक ऑफिसर है, और एलेक्स जिस लड़की को लाइक करता है उसका नाम है समेंथा। समेंथा एलेक्स से कहती है कि वो उसके फादर से बात करे उनकी शादी के बारे में, पर ये टास्क एलेक्स के लिए इतना ज्यादा इजी नहीं है क्योंकि समेंथा के फादर यूएस नेवी के एडमायरल हैं, और अब जब समेंथा के फादर एक सेरेमनी में स्पीच दे रहे होते हैं तो वहाँ पर एलेक्स बहुत ज्यादा लेट पहुँचता है, और इसी तरह एलेक्स का फर्स्ट इम्प्रेशन ही उसके फादर इन लॉ के सामने बहुत ज्यादा गलत पड़ता है, और भी बहुत ज्यादा चीजों में एलेक्स लेट होता है जिससे समेंथा के फादर को ये पता चलता है कि एलेक्स बहुत ही ज्यादा अनडिसिप्लिन्ड इंसान है। एडमायरल जब एलेक्स की ये सब बातें देखता है तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो उससे कहता है कि वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, और अगर वो ऐसे ही रहा तो वो एलेक्स की पोजीशन चेंज कर देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समेंथा को भी एक क्लाइंट दिया जाता है जो कि पहले यूएस मिलिट्री में एक कर्नल होता था, मगर अपनी ड्यूटी के दौरान वो अपनी दोनों टांगों से हाथ धो बैठता है। ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान रहता है, परेशान इसलिए क्योंकि वो पहले आर्मी में एक सोल्जर था। अब जब उसकी टांगे नहीं थी तो वो सोल्जर की तरह अपने मुल्क की खिदमत नहीं कर सकता, मगर समेंथा उसको हौसला देती है अपनी बातों से और उसे कहती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ हाइकिंग पर चलो। वो कहती है कि हम आइलैंड पर जाएंगे जहाँ पर ऑब्जर्वेटोरी है, और साथ साथ उसे ये बात भी याद दिलवाती रहती है कि आज भी तुम उतने ही वैल्यूएबल हो जितने कि तुम पहले थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक एस्ट्रॉइड जमीन की तरफ आ रहा होता है। अब ये एस्ट्रॉइड 5 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है जैसे जैसे वो जुपिटर को क्रॉस करता है। हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट ये बात नोटिस करता है कि ये जो एस्ट्रॉइड जमीन पर आ रही है ये कोई और नहीं बल्कि कोई फॉर्मेशन है। अब ये साइंटिस्ट ऑब्जर्वेटोरी में जाकर बाकी साइंटिस्ट को बताता है कि ये फॉर्मेशन उनकी जमीन की तरफ आ रही है। अब ये 5 स्पेसशिप हैं, इनमें से एक स्पेसशिप तो सैटेलाइट पर जाकर अटैक करती है और वहाँ पर सैटेलाइट्स को तोड़ देती है, जबकि बाकी के स्पेसशिप पैसिफिक ओशन की तरफ चली जाती हैं। अब जब समेंथा कर्नल के साथ ऑब्जर्वेटोरी की तरफ जा रही थी हाइकिंग के लिए, वो भी आसमान से गिरती हुई इन 4 स्पेसशिप को देखती है। ये चारों स्पेसशिप पैसिफिक ओशन में जाकर गिरती हैं। अब ये स्पेसशिप जैसे ही समुंदर में जाकर गिरती हैं तो समुंदर से बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। इन स्पेसशिप्स में से एक स्पेसशिप तो हांगकांग की तरफ भी जाती है और बहुत ज्यादा तबाही मचा देती है। वहाँ पर लोग हमें भागते और चीखते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर रही होती हैं। पूरे शहर में बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है। तभी साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से स्पेसशिप का थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये स्पेसशिप जिस मटेरियल से बनी हुई है वो मटेरियल तो हमें अर्थ पर कहीं भी नहीं मिलता और ना ही वो मटेरियल टेबल में कहीं पर मौजूद है। इस स्पेसशिप को देखकर साइंटिस्ट को ये लग रहा था कि ये कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि हांगकांग पर क्रैश लैंड की गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेवी के एडमायरल यानी कि समेंथा के फादर वार्निंग रिसीव करते हैं जिन्हें बताया जाता है कि इनके आसपास कोई स्ट्रेंज चीजें हैं, और जब ये रिटायर में देखते हैं तो इनको आसपास कुछ भी नजर नहीं आता। अब एडमायरल 3 बैटलशिप्स का ऑर्डर देता है जिनमें से एक तो एलेक्स के अंडर और दूसरी उसके भाई के अंडर होगी। अब ये बैटलशिप्स उनके अंडर वहाँ पर पहुँच जाती हैं जहाँ पर एडमायरल ने कहा है। इनकी टीम एलियन ऑब्जेक्ट के पास चली जाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब इन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये ऑब्जेक्ट क्या चीज है। एलेक्स उस ऑब्जेक्ट के पास जाने का डिसाइड करता है। वो उस ऑब्जेक्ट के पास जाता है और उसकी आउटर वॉल को टच करता है, मगर तभी एलेक्स को बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। तभी उसके आदमी एलेक्स की तरफ बढ़ते हैं उसकी हेल्प के लिए। तभी वो देखते हैं एक बहुत बड़ी
लेजर बीम लाइट आसमान की तरफ जाकर एक बहुत बड़ी शील्ड बना देती है। ये शील्ड इस एरिया को पूरा ऊपर से कवर कर देती है। इस शील्ड को एडमायरल भी वहाँ पर देख सकता था। अब वो भी वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी टीम के साथ कांटेक्ट करना चाहता था, मगर तभी उसको पता चलता है कि उसकी टीम की कम्युनिकेशन डिवाइस तो जैम हो चुकी है। अब उनकी मदद करने के लिए एक फाइटर जेट भेजा जाता है। इससे पहले वो जाकर उनसे कांटेक्ट करता, उसे पहले ही रास्ते में तबाह कर दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही ये फाइटर जेट उस शील्ड में जाने की कोशिश करता है तो वो तबाह हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये पूरी नेवी उस मशीन को टच नहीं कर सकती जो कि एलियंस की है, क्योंकि इस मशीन ने अपने इर्द गिर्द एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शील्ड बना दी थी। फिर हम वहाँ पर एक बहुत बड़ी वॉरशिप देखते हैं जो कि समंदर से ऊपर की तरफ उठती है। दूसरी तरफ एलेक्स का भाई एक हॉर्न बजाकर इस वॉरशिप को वार्निंग का सिग्नल देता है। अगर एलियंस की ये वॉरशिप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और वो एलियंस की शिप एलेक्स के भाई के सिग्नल का जवाब बहुत बड़ी बड़ी शॉक वेव्स में देती है। ये शॉक वेव्स इतनी ज्यादा बड़ी थी कि इनके जनरेट होने से आसपास शिप्स के सभी शीशे टूट जाते हैं। इनकी ये पावर देखकर सभी हैरान हो चुके थे। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर एक मिसाइल को इन एलियंस पर फायर करता है। ये शूट जाकर एलियंस की शिप को तो नहीं लगता, मगर एलियन वॉरशिप इसका जवाब देती है और बहुत सारे मिसाइल्स इनकी शिप की तरफ भेजती है। ये लोग इन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो करते हैं, मगर तभी एक मिसाइल इनकी शिप पर आकर गिर जाता है, जिससे होने वाली तबाही में इनका एक कैप्टन मारा जाता है। और जब एलेक्स को ये बात पता चलती है कि उनकी शिप्स पर इतना बुरा अटैक किया गया है, तो उसको भी गुस्सा आ जाता है। अब वो भी डिसाइड कर लेता है एलियंस की शिप पर फायर करने के लिए, मगर एलेक्स के अटैक का एनिमी की शिप पर कोई भी असर नहीं होता। वहाँ पर एलेक्स का भाई भी दूसरे ऑफिसर से फायर करने का कहता है, मगर वो ऑफिसर एलेक्स के भाई को बताता है कि शॉक वेव्स की वजह से जो कि एलियंस ने बनाया था, उसके बाद से इनका मिसाइल सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा और जो शॉट्स इन्होंने भेजी है उससे भी शिप को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। अब एलेक्स का भाई उनको फिर से शूट करने का कहता है एलियंस वॉरशिप पे। अब ऐसा ही होता है, लेकिन एलियन वॉरशिप पर तो कोई खास नुकसान नहीं हो रहा था। वो इनके शिप को डिटेक्ट कर लेती है। अब एलियंस की वॉरशिप इनके ऊपर बहुत सारे ग्रेनेड्स फेंकती है। ये लोग उन ग्रेनेड्स को आसमान में ही तबाह करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, मगर फिर भी एक ग्रेनेड इनके शिप पर गिर जाता है, जिसकी वजह से इनका पूरा मिसाइल सिस्टम तबाह हो जाता है। जबकि वहाँ पर एलियन शिप बार बार इन पर फायर किए जा रही थी, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और एलेक्स के भाई की शिप पूरी तरह से तबाह हो जाती है। जबकि एलेक्स इस पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था और वो होपलेस अपने भाई को मरता हुआ देख रहा था। अब एलेक्स दोबारा से जॉन पॉल जॉन के शिप की तरफ जाता है, मगर वहाँ पर भी जाकर उसको पता चलता है कि सभी सीनियर्स मारे गए हैं और अब वो वहाँ का पर्सन इंचार्ज बन चुका है। एलेक्स अपने भाई की मौत पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि एलियंस ने उसके भाई को मार दिया था। अब वो शिप पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। तभी हम वहाँ पर जापानी से आई एक वॉरशिप को भी देखते हैं। ये वॉरशिप भी एलेक्स के साथ मिलकर लड़ती है। ये लोग जब एलियंस की शिप पर शूट करते हैं तो एलियंस भी जवाब में इनकी शिप पर शूट करते हैं। वो बहुत सारे ग्रेनेड्स इनके शिप पर फेंक देते हैं, जिससे कि वो इनके शिप को तबाह कर देते हैं। यहाँ पर एलेक्स अपने लोगों को ये ऑर्डर देता है कि शिप एलियन स्पेस शिप के पास लेकर जाया जाए, ताकि वो अपने भाई की मौत का बदला ले सके। लेकिन क्रू कैप्टन को कहता है कि ऐसा करना तो सुसाइड के बराबर है। वो कहता है कि हमें लोगों को बचाना है, उन्हें मारना नहीं है। ऐसे तो अगर हम एलियन शिप के पास जाएंगे तो वो हमें मार देंगे। हालांकि हमारा काम तो ये है, जो जापानीज की वॉरशिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है उसमें जो लोग मर रहे हैं हम उन्हें बचाएं। मगर यहाँ पर एलेक्स अपने भाई की मौत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मगर क्रू उसे बार बार झंझोड़ता है और उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा भाई अब मर चुका है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता और जो लोग अब जिंदा हैं हम उन्हें तो बचा सकते हैं ना। एलेक्स को उसकी बातें सुनकर ये एहसास हो जाता है और वो जापानीज वॉरशिप में फंसे हुए लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि जो लोग डूब रहे हैं हम उनकी भी जान बचाएंगे। दूसरी तरफ हम एलियन वॉरशिप को भी देखते हैं। उन्होंने कुछ देर के लिए इस जंग को बंद कर दिया है, मगर तभी ये वॉरशिप एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। ये अपनी सभी मशीन को इकट्ठा कर एक स्ट्रक्चर बनाती है और उन्हें फिर एक एरिया की तरफ फायर कर देती है।
अब इनमें से दो स्ट्रक्चर्स तो जाकर मिलिट्री बेस में गिरते हैं और वहाँ पर जाकर तबाही मचा देते हैं। आसपास दिखने वाली हर चीज तबाह हो रही थी, जबकि तीसरा स्ट्रक्चर जाकर पॉपुलेशन सेंटर में गिरता है और वहाँ पर जाकर बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, इवन के हर चीज तबाह कर देता है। एलेक्स को भी देखते हैं जो कि सिटी में पहुंच चुका है। वो वहां पर पूरी कोशिश कर रहा था कि कैसे लोगों को बचाया जा सके। दूसरी तरफ समंथा जो कि कर्नल के साथ थी, वो भी एलियन वेसल्स को आइलैंड पर लैंड करता हुआ देखती है। ये वेसल जाकर ऑब्जर्वेटोरियम पर लैंड करता है। उसका प्लान था कि यहां पर मौजूद हर जगह पर उसका कंट्रोल बन जाए। तभी समंथा के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और उसको वार्न करता है कि तुम दोनों इस आइलैंड से चले जाओ। वो इनको बताता है कि तुम लोग एक वॉर के इलाके में हो और ये वॉर इंसान नहीं बल्कि एलियंस लड़ रहे हैं। अब उस पुलिस ऑफिसर की बातों से कर्नल डरता नहीं है और वो ये डिसाइड करता है कि वो इस ऑब्जर्वेटोरी की तरफ जाएगा ये देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। समंथा उसको वहाँ पर जाने से रोकती है, लेकिन ये कर्नल उसकी एक भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ हम ग्रुप मेंबर्स को देखते हैं जिन्होंने किसी तरह से एक एलियंस को पकड़ लिया था जो कि समुंदर में डूब रहा था। ये लोग बहुत मुश्किल से उस एलियन का हेलमेट उतार देते हैं और फिर उसको देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है। तभी फौरन से ये एलियन जाग जाता है और वो जंप करके एलेक्स के चेहरे को पकड़ लेता है। अब ये एलेक्स के चेहरे पर टेलीपैथिक लिंक क्रिएट करता है जिसमें वो देखता है कि कैसे लोग दूसरे प्लेनेट पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और लोग दूर जाकर गिरते हैं। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे एलियंस अपने इस एलियन दोस्त को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। तभी ये देखते हैं कि बाकी सभी एलियंस तो चले गए हैं, लेकिन अभी भी एक एलियन मौजूद है जो इनके वेपन सिस्टम को एनालाइज कर रहा है। एलेक्स भी अपने टीममेट के साथ चलता है ताकि वो उनका साथ दे और उन्हें कोई भी खतरा ना हो। तभी वहाँ पर एक आदमी ये बात नोटिस करता है कि एलियन वहाँ पर आ चुका है जिसने के दरवाजा तोड़ दिया है। ये एलियन अंदर आता है और इनके वेपन सिस्टम को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है। तभी ये आदमी एलियन को स्टॉप करने की कोशिश करता है, मगर ये एलियन बहुत ही आसानी से उस आदमी को दूर फेंक देता है। तभी एलेक्स भी वहाँ पर आ जाता है और इस एलियन पर शूट करना स्टार्ट कर देता है, मगर एलियन को इसके वेपन्स यूजलेस लगते हैं। ये एलियन इनको भी हरा देता है। ये एलियन एक एक कर सभी को जमीन पर फेंक रहा था। अब एलेक्स वहाँ पर एक प्लान का सोचता है। वो वहाँ पर मौजूद एक लड़की को वेपन सिस्टम के पास जाने का कहता है और खुद बाहर चला जाता है और ये एलियन भी एलेक्स का पीछा करते हुए बाहर आ जाता है। और जब ये बाहर आता है तो ये एलेक्स को मारने ही वाला होता है। तभी इस एलियन के अटैक की वजह से एलेक्स मरने ही वाला था। तभी कोड़ा पीछे से आकर एलियंस पर कैनन से अटैक कर देती है जिससे कि एलियन टुकड़ा टुकड़ों में होकर मर जाता है। दूसरी तरफ हम कर्नल और समंथा को देखते हैं जो कि सर्वटोरी में पहुंच चुके थे। इधर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि पूरी पुलिस टीम तबाह हो चुकी है। अब ये यहाँ पर उन लोगों को ढूंढ रहे थे जो कि किसी न किसी तरह से बच गए हों, मगर तभी इन्हें पता चलता है कि एलियंस इनके आसपास ही हैं। और ऐसा ही था, एलियंस वहाँ पर आ जाते हैं और ये लोग भी छुप जाते हैं जिसकी वजह से एलियंस इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। अब जब एलियंस चले जाते हैं तो समंथा रेडियो से लोगों को हेल्प के लिए बुलाती है, मगर तभी उसको पता चलता है कि यहाँ के सिग्नल्स तो जैम हो चुके हैं। मगर तभी ऑब्जर्वेटोरी से एक साइंटिस्ट बाहर आता है और इन्हें बताता है एलियंस हमारे सेटेलाइट सिस्टम को यूज करना चाहते हैं ताकि वो अपने प्लेनेट से कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि उनके अपने कम्युनिकेशन वेसल्स तबाह हो चुके हैं और अगर एलियंस अपने प्लेनेट के एलियंस के साथ कम्युनिकेट करने में कामयाब हो गए तो इससे और भी एलियंस हमारे प्लेनेट पर आ जाएंगे और ये तो इतने ज्यादा पावरफुल है, समझ लो इंसानियत तो खत्म हो जाएगी। तभी हम एक ग्रुप मेंबर को देखते हैं जिसको ये बात पता चलती है कि एलियंस हेलमेट इसलिए पहनते हैं ताकि वो सनलाइट से बच सके। वो ग्रुप मेंबर एलेक्स को जाकर बताता है कि ये एलियंस लिजर्ड्स के जैसे हैं। जैसा कि लिजर्ड्स ब्राइट लाइट में नहीं देख पाती, इसी तरह से ये लोग भी ब्राइट लाइट में नहीं देख पाते। ये सब सुनकर एलेक्स कहता है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग इससे जीत कैसे सकते हैं। अब ये क्रू मेंबर सबको बताता है कि हम अपने रिटायर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे जिससे कि एलियंस को पता नहीं चलेगा हम कहाँ पर हैं। और इसके बाद ये ओशन में वेदर बॉयज को डिटेक्टर के तौर पर जिससे कि ये एलियंस की लोकेशन का पता चलाएंगे और इस तरह से ये एलियंस के शिप को तो लोकेट कर पाएंगे, मगर एलियंस को ये बात पता नहीं होगी कि हम लोग कहाँ पर हैं और वो इन पर जवाबी हमला नहीं कर पाएंगे। एलेक्स इस कैप्टन के मेथड से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसको ऑर्डर करता है कि वो ही अब शिप को
मान करे। वहाँ पर हम साइंटिस्ट को भी देखते हैं जो कि समंथा को बता रहा था यहाँ पर एलियन सैटेलाइट को यूज करना चाहते हैं ताकि ये अपना सिग्नल अपने प्लैनेट की तरफ भेज सके। मगर समंथा कहती है कि वो एलेक्स से कॉन्टेक्ट करेगी और उनको बताएगी कि वो इस ऑब्जर्वेटोरी को ही तबाह कर दें। जब ये फैसिलिटी ही ऑब्जर्वेटोरी ही खत्म हो जाएगी तो एलियंस अपने प्लैनेट के साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे। साइंटिस्ट समंथा से कहता है कि तुम उसे कांटेक्ट कैसे करोगी क्योंकि सभी सिग्नल्स तो जैम हो चुके हैं। मगर फिर वो कहता है कि ये बात पॉसिबल है, ऑब्जर्वेटोरी में एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ये साइंटिस्ट लैब की तरफ जाता है ताकि वो वहाँ से कम्युनिकेट डिवाइस ले सके, पर तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है जो इसको वहाँ पर बहुत ही हैरानी से देख रहा होता है। और लकीली ये एलियन इस साइंटिस्ट को छोड़ भी देता है और कहता है कि चले जाओ यहाँ से। ये एलियन इस साइंटिस्ट पर अटैक नहीं करता और साइंटिस्ट भाग कर समंथा के पास आता है। अब ये लोग डिवाइस से एलेक्स से कम्युनिकेट करते हैं। अब यहाँ पर समंथा एलेक्स को कहती है कि आप लोगों को अपनी बैटल शिप से इस ऑब्जर्वेटोरी को तबाह करना होगा इससे पहले कि ये सैटेलाइट अपने सिग्नल्स प्लैनेट की तरफ भेज सके, और इस काम के लिए एलेक्स के पास 4 घंटे हैं। एलेक्स समंथा से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस फैसिलिटी एरिया से बाहर निकलो, मगर तभी इनके सिग्नल्स टूट जाते हैं और ये लोग अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाते। जैसे कि आपको पहले बताया है कि ये लोग एलियंस को वाटर डिस्प्लेसमेंट के जरिए डिटेक्ट करेंगे, इससे इन्हें पता चलेगा कि एलियंस कहाँ पर हैं, मतलब कि एलियन की शिप कहाँ पर है। और ऐसा ही होता है, वाटर डिस्प्लेसमेंट से ये एलियंस की शिप को लोकेट कर लेते हैं और उनकी तरफ 2 मिसाइल्स फेंकते हैं, मगर इनके ये मिसाइल्स जाकर टारगेट पर नहीं लगते और साथ ही साथ इनकी लोकेशन भी एलियंस के सामने आ जाती है। अब एलियंस इनकी बैटल शिप की तरफ जल्दी जल्दी से आना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ इनकी तरफ मिसाइल भी फेंकते हैं। अचानक ही ये लोग अपने एक और दुश्मन को भी अपने आसपास देखते हैं। ये स्पेसशिप भी एलियंस की स्पेसशिप। ये लोग इंसानों पर अपने ग्रेनेड्स फेंकते हैं। इंसान बहुत मुश्किल से इस अटैक से बच पाते हैं और इनके ये ग्रेनेड आकर इनके शिप पर लगते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा तबाही होती है। एलियंस की शिप इनके पास आ रही थी तभी कैप्टन नकाटा इनकी लोकेशन को देखकर इन पर फायर कर देते हैं। अब शिप क्योंकि नजदीक आ रही थी और उसको लोकेट करना आसान हो रहा था। अब जब ये इस बार एलियंस पर अटैक करते हैं तो इनका मिसाइल बिल्कुल एलियंस के शिप पर जाकर गिरता है जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होता है और एलियंस की ये शिप बिल्कुल पानी के अंदर चली जाती है। ये लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे मगर ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। तभी मैप पर इन्हें एक और एनिमी नजर आता है। जी हाँ, एलियंस की एक और शिप थी और ये बहुत ही रैंडम तरीके से चल रही थी जिसकी वजह से इन्हें मिसाइल से हिट करना भी मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर एलेक्स इनको एक प्लान बताता है। वो कहता है कि हम अपनी बैटल शिप को आइलैंड के पास लेकर जाएंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी बैटल शिप को आइलैंड के पास लेकर जाते हैं। वहाँ पर नगाटा और एलेक्स अपने स्नाइपर राइफल्स को एलियंस की तरफ कर वेट कर रहे होते हैं। ये लोग वेट कर रहे थे सूरज के राइज होने का। अब ये स्पेसशिप एलियन की पानी से बाहर आती है और ये तैयार हो रही होती है इनकी तरफ फायर करने के लिए, मगर तभी एलेक्स और कैप्टन नगाटा एलियंस की विंडशील्ड की तरफ अटैक कर देते हैं जिससे कि उनके शिप के ग्लास टूट जाते हैं और सूरज की रोशनी उनके शिप के अंदर चली जाती है और ये सभी एलियंस अब सूरज की रोशनी की वजह से हो जाते हैं। अब उन्हें अंधा करने के बाद ये लोग यहाँ से अपने बहुत सारे मिसाइल्स उनकी तरफ फेंकते हैं। अब एलियंस को तो वहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा था और ये मिसाइल जाकर एलियंस के शिप को तबाह कर देते हैं। यहाँ पर सभी ग्रुप मेंबर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे, मगर तभी एलेक्स देखता है कि कुछ स्ट्रक्चर्स उनकी तरफ आ रही हैं। ये सभी लोगों को भागने का कहता है मगर बहुत देर हो गई थी और ये स्ट्रक्चर्स आकर इनकी बैटल शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा इनके ग्रुप मेंबर्स पानी में जाकर गिरते हैं। वहाँ पर एलेक्स और नकाटा बैटल शिप से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनकी बैटल शिप पानी में डूब रही थी। शिप के तबाह होने के आखिरी सेकंड में ही ये दोनों शिप से बाहर निकल जाते हैं। ज्यादातर ग्रुप मेंबर्स इस अटैक से बच जाते हैं, मगर ये लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और ये सोच रहे थे कि ऐसा क्या करें कि हम अपने दुश्मनों को उनके प्लैनेट पर सिग्नल भेजने से रोक सकें।
यहाँ पर एलेक्स इनको एक प्लान बताता है और कहता है कि हम अपने बैटल शिप को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे के म्यूजियम के तौर पर रखा गया है। तो फिर इनमें से एक क्रू मेंबर कहता है कि ठीक है, हम इस जॉइंट शिप के पास पहुंच तो चुके हैं, मगर हम इस शिप को चलाएंगे कैसे, हमारे पास तो ज्यादा लोग भी नहीं है और ना ही इनके पास इसे चलाने का एक्सपीरियंस है। मगर तभी ये एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को देखते हैं जो इनकी तरफ आ रहा था और वो इंसानियत को बचाने में इनकी मदद करने में बहुत ज्यादा खुश था। वो कहता है कि इस मशीन को चलाने में वो उनकी मदद करेगा। अब ये लोग इस बैटल शिप को ओशन में लेकर जाते हैं। ये लोग इस मशीन को एलियंस के वॉरशिप की तरफ लेकर जाते हैं ताकि उसको तबाह कर सकें। अब जब ये लोग एलियंस की मशीन के पास जाते हैं तो ये इन्हें देखकर हैरानी होती है कि ये तो मशीन अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है। ये मशीन अपने आप को एक बहुत बड़ी स्पेसशिप में कन्वर्ट कर देती है। इसमें बहुत सारे मिसाइल्स और वेपन लॉन्चर्स थे। एलेक्स कहता है कि अपनी गन्स शिप की तरफ कर दो। दूसरी तरफ बैटल शिप को भी कमांड करता है। जैसे ही एलियन शिप आप पर फायर करेगी, आप लोगों को अपनी डायरेक्शन चेंज कर देनी है उसके फायर से बचने के लिए। वहाँ पर एलियंस क्रियो के लोकेशन को डिटेक्ट करते हैं और उनकी तरफ अपने ग्रेनेड्स शूट करते हैं। और जैसे ही वो अपने ग्रेनेड्स इनकी तरफ फेंकते हैं, तभी एलेक्स इनको अटैक करने का ऑर्डर करता है। जब वो अटैक करते हैं तो स्पेसशिप रुक जाती है और एलियंस के फेंके हुए ग्रेनेड्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अब ये बैटल शिप एलियंस की तरफ जा रही होती है। इसमें मौजूद जितने भी मिसाइल्स होते हैं उनको फायर करती जा रही होती है। इतने सारे हिट्स जब जाकर एलियंस की मशीन को पड़ते हैं तो वहाँ पर उनके वो मशीन जो लेजर्स प्रोड्यूस करती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब एलियंस की शिप के इर्द गिर्द जो शील्ड बनी हुई थी वो भी खत्म हो जाती है। अब एलियंस की शील्ड खत्म होने के बाद यहाँ पर कमांडर भी अपने फाइटर जेट्स एलियंस की तरफ फेंक देते हैं। तभी एलियंस भी अपने सिग्नल अपने प्लैनेट पर ऑब्जर्वेटोरी के जरिए भेज देते हैं। इससे पहले कि सैटेलाइट इनके सिग्नल्स को लेता, यहाँ पर ये लोग बैटलशिप के जरिए ऑब्जर्वेटोरी को ही तबाह कर देते हैं। इसके बावजूद ही एलियंस इंसानों को रोकते हैं कि ये लोग ऑब्जर्वेटोरी को तबाह ना करें, लेकिन ये लोग फिर भी ऑब्जर्वेटोरी को तबाह कर देते हैं और एलियंस के ये सिग्नल उनके प्लैनेट पर नहीं पहुंच पाते। वहाँ पर ऑब्जर्वेटोरी में जितने भी एलियंस थे वो भी इतने बड़े धमाके में तबाह हो जाते हैं। वहाँ पर नेवी के बैटलशिप के पास भी जो भी स्ट्रक्चर्स एलियंस की तरफ से आ रहे होते हैं उन्हें भी हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वहाँ पर एलियंस की स्पेसशिप भी मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दी जाती है और उनके सिग्नल्स भी उनके प्लैनेट तक नहीं जाते। तभी ये लोग खुश हो जाते हैं कि आखिरकार इंसानियत की जीत हुई और जमीन पर आने वाले एलियंस दुश्मन के खिलाफ जंग लड़कर इन्होंने सब इंसानों को बचा लिया। इसके बाद उन लोगों के लिए सेरेमनी रखी जाती है जो भी उन एलियंस के अटैक से मर गया था, जिनमें के एलेक्स का भाई भी शामिल था। इसके अलावा उन सोल्जर्स को भी ऑनर दिया जाता है जो इन एलियंस के अटैक से बहादुरी से लड़े, जिनमें वो कर्नल भी शामिल था जो कि समंथा के साथ था और उसने अपनी ऐसी हालत के बावजूद स्मिता के साथ मिलकर नेवी को खास इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। वहाँ पर स्मिता के फादर जो कि नेवी के एडमिरल हैं, वो भी वहाँ पर एलेक्स को कमांडर बना देते हैं। उसकी अच्छी खिदमत के बिना पर एलेक्स मेहता के फादर के पास जाता है और उनको कहता है कि वो उनकी बेटी से शादी करना चाहता है, जिस पर मेहता के फादर ये सुनकर कहते हैं कि वो ये बात तो काफी टाइम से जानते हैं और उन्हें इस बात से कोई मसला नहीं है। एलेक्स उनके साथ जाते हुए मेहता को पीछे देखकर थम्स अप करता है और ये दोनों एक दूसरे को अपनी न्यू लाइफ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी मिलिट्री से दूर एक फैमिली एक स्ट्रेंज एलियन ऑब्जेक्ट को देखती है। ये एलियन ऑब्जेक्ट इनके फॉर्म में गिरी थी और ये इस एलियन ऑब्जेक्ट को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। उसके अंदर एक एलियन था, जिससे ये बात पता चलती है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।